हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आदर्श आपके लिए लाया हूँ जीके के टॉप 10 क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस देश में दो सगे भाई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं? आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, श्रीलंका। श्रीलंका में दो सगे भाई जो हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं, गोतबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्र सरकार ने किसानों को सालाना कितने हजार देने की घोषणा की है? आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, 6,000। 6,000 रुपये किसानों को देने की केंद्र सरकार ने घोषणा की है, और फ्रेंड्स ये करंट का ही क्वेश्चन है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वच्छता के लोगों में किस व्यक्ति का चश्मा लगा हुआ है? आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, महात्मा गांधी। जो स्वच्छता का लोगो बना होता है उसमें महात्मा गांधी जी के चश्मों का प्रयोग किया गया है, और ये फ्रेंड्स कंप्यूटर ऑपरेटर 2018 की परीक्षा में पूछा गया था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए ड्रेसिंग कोड लागू किया गया है? आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, काशी विश्वनाथ। बनारस में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ पे दर्शन के लिए ड्रेसिंग कोड को लागू किया गया है, जिसमें महिलाएं जो हैं साड़ी पहन के जाएंगी और पुरुष जो हैं धोती और कुर्ता पहन के जाएंगे दर्शन के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में चीन में कौन सा वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है? आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, कोरोना वायरस जो है चीन में बहुत ही तेज से फैल रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो सर्वे के अनुसार साल 2018 में कितने बेरोजगारों ने आत्महत्या किया है? जो तो आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, 26,085, और फ्रेंड्स ये करंट का ही क्वेश्चन है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, अमिताभ बच्चन जी जो है जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और फ्रेंड्स ये ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा में पूछा गया था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है? आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, भाग जाना। 9-2-11 मतलब भाग जाना, फ्रेंड्स ये ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा में पूछा गया था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा कब चालू हुआ था? आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, 2011 में नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा अपने भारत में चालू हुआ था, फ्रेंड्स पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था। चलिए फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लखनऊ के हजरतगंज चौराहे का नया नाम क्या है? आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आपका ऑप्शन डी सही है, अटल चौक। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे का नाम जो है अटल चौक है, फ्रेंड्स ये करंट का ही क्वेश्चन है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो फ्रेंड्स कल फिर मिलते हैं 10 नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स। धन्यवाद।